महेंद्रगढ़ के गांव जेरोली जाट में बीते दिन नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया था और इस मामले में मृतक नवजात शिशु की मां मीडिया के सामने आई और बोली कि क्या बच्चे को मारने के लिए 9 महीने गर्भ में रखा था। हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले उनसे दुश्मनी रखते हैं व बैर भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके के गलत व झूठे आरोप बच्चे के माता पिता पर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कौन माँ अपने ही बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर मारेगी। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बच्ची की मौत उसके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से हुई है, हमें ये झूठे आरोप लगाकर फंसाने का कार्य किया जा रहा है। महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। ये लड़के बीमार चल रही थी, पानी की कमी बता रहे थे, इसमें रात को ठीक ज़्यादा परेशानी होगी वो एक्सपायर होगी, तो बहन को मिट्टी दी गई। लड़की को कब दी थी मिट्टी? सुबह दी थी। लड़की का पिताजी साथ है और लड़के का दादाजी साथ था। तो अब क्या कुछ मामला हुआ है सारा? ये अब पड़ोस में जिनकी कोई आपसी रंजिश है, इस रंजिश के चलते उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम निष्पक्ष जांच होगी और जिसने हमारे खिलाफ, हमारी बहन के परिवार के खिलाफ जिसने भी ये साजिश रची है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं। बहन जी, आपकी बच्ची जो ये वारदात हुई है, क्या वारदात है? कुछ भी नहीं थी, ये तो ठीक ठाक थी, बस पानी की कमी थी इसमें और ये दिखाने की तो कोई वजह ही नहीं थी। कैसे क्या कुछ हुआ ये, जब गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि बेटी को मार दिया, क्या कुछ हुआ? ये तो हमारे घर वाले ही हैं, मौसी के लड़के हैं, इन्होंने घर पर हमारे पर कार्रवाई कर दी। कोई माँ अपनी बेटी को नहीं मार सकती, दूध 9 महीने पेट में घसती है फिर दूध पिलाती है, ऐसा कोई करता है क्या? हम मेरी बेटी की माटी में मीरान हो गई, उसकी चीरा फाड़ी भी करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब हम सुर जेड़ाई चाहते हैं, हमारी बेटी वापस मिट्टी में दफनाई जाए और इन पर ये जलते जलते हैं, इन पर वापस कार्रवाई की जाए।